तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने दूसरे वीडियो के साथ जो है मिट्ठू से उनकी स्टोरी सुनने वाले हैं, मेरी दूसरी वीडियो में। तो मिट्ठू सर, सबको बताइए। देखिए, हम तो कुछ नहीं बताने वाले। बेवकूफ़, मारे थप्पड़ तुमको, सही हो जाओ। सही में मार देंगे तुमको थप्पड़। हाँ मार देंगे तुमको थप्पड़। सबको कथक करके दिखाओ। वेरी गुड, सबके पास आओ, पास आओ, आगे। बड़ा सड़ा हुआ मुँह है। बड़ा पास आओ। तुम चुप रहो, मेरी वीडियो खराब मत करो। तो आज मिट्ठू आपको किस आप आज मिट्ठू में आपको किसी की स्टोरी बताएं, मतलब कोई मिस्ट्री का मिस्ट्री किसी मिस्ट्री की हिस्ट्री बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं शिनचैन सारे कार्टून्स में से सबसे पॉपुलर कार्टून है, तो मिट्ठू और उसमें जो एक मिस्ट्री कैरेक्टर है शिन को, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो मिट्ठू सर बताइए सबको। देखिए, एक्चुअली ना शिन को जो है वो मुझे लगता है शिनचैन और टामिको की बेटी है। अगर आपने जो है शिनचैन की वो मूवी विलेन और दुल्हन देखी होगी तो फिर आपको पता होगा कि उसमें क्या बोलना है कि उसमें शिनचैन अपने फ्यूचर की वाइफ से मिलता है जब वो 5 साल का होता है। वो उसको टाइम मशीन में ले जाती है और फ्यूचर में उसकी शादी कजामा से होने वाली होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो शिनचैन और टामिको की बेटी लगती है। सुनिए, तो देखिए, पहला क्लू ये है कि टामिको जो है, मतलब शिनचैन के शिन और टामिको के को से शिन को बनता है। और एक और हिंट, टामिको बहुत रिच थी और शिनचैन से शादी करने के बाद शिनचैन टामिको से शादी करता है, जब तब वो शिनचैन भी रिच हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे ही वो तो उसके पास एक सर्वेंट भी होता है। और जो बादल वाला चक्कर है, जब भी वो आती है बादल दिखाई देते हैं, वो एक्चुअली टाइम मशीन से होते हुए होता है। मतलब टाइम मशीन से जब वो फ्यूचर से पास्ट में आती है तब वैसा होता है। तो आज हमने सुलझा ली मिस्ट्री और सब घर पे ही रहिए प्लीज़, मेरे जैसे ग्रीन हो जाएंगे वरना। ओके, बाय बाय।